हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजत। जैसा कि आज संडे हो, हर संडे को मैं आपके लिए एक हिस्ट्री से रिलेटेड या अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक वीडियो लेकर आता हूं। वैसा ही दोस्तों, आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन फिलहाल उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं उसे आज अपलोड कर दूंगा। और वो वीडियो राजा पोरस और सिकंदर के इतिहास से जुड़ा होगा और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप भी उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि दोस्तों सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य फिलहाल काफी ज्यादा शानदार चल रहा है। इस सीरियल में चंद्रगुप्त मौर्य का पासा कभी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में होता है तो कभी धनानंद के हाथों में। दोनों ही तरफ से हमें नई नई रणनीतियां देखने को मिलती है और वहीं पे आने वाले एपिसोड भी काफी ज्यादा शानदार होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हाल ही में कई तस्वीरें सामने आई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों ये तस्वीरें जो सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े गए एक्टर्स है उन्होंने शेयर की, और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या लिख रखा है। दोस्तों इसको तस्वीर को देखकर साफ पता चल जाता है कि सीरियल से अब अंबिक कुमार का जो किरदार है वह जल्द ही हमें अलविदा कह देगा, क्योंकि अंबिक कुमार एक ऐसा मौरा है इस वक्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ खड़ा है। क्योंकि अंबिक कुमार वह व्यक्ति है जिसके पास कई ऐसी सूचनाएं हैं जो कि अगर धनानंद के हाथों में लग जाती है तो उसके काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुसीबतें बढ़ जाने वाली है। क्योंकि अंबिक कुमार अच्छी तरीके से जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ विश्वास पात्र अभी भी मगध के महल में मौजूद है और मगध में होने वाली सभी हलचलें चंद्रगुप्त मौर्य के पास संदेश द्वारा पहुंच जाती है। ये बात अंबिक कुमार अच्छी तरह से जानता है, लेकिन हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि अंबिक कुमार अपनी स्मृति खो चुका है और वह कुछ भी बताने को के लिए सक्षम नहीं है और वह कहीं ना कहीं तारिणी का नाम ले लेता है। ऐसे में जो अमात्य है उनके शक के घेरे में तो तारिणी आ चुके हैं, तो ऐसे में तारिणी के ऊपर भी काफी ज्यादा कड़ी बंदिश होगी आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अमात्य राक्षस जो कि धनानंद के लिए कुछ भी कर बैठने को तैयार है, अपने महामहिम के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वह पूरी नजर रखे हुए हैं तारिणी पर, और वहीं पर दुर्धरा पर भी उन्हें कहीं ना कहीं शक की निगाहें तो है ही। और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो परेशानियां हैं वह है विषकन्या। जिस प्रकार से धनानंद के महल में तारिणी और दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य के गुप्तचर के रूप में प्रवेश कर चुकी है, वहीं पे अब चंद्रगुप्त मौर्य के पास पहुंच चुकी है एक विषकन्या जो कि बांदी गांव की नागरिक बताती है खुद को, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो व्यक्ति हैं विश्वास पात्र है उनमें सम्मिलित होने का प्रयास कर रही है। और वहीं पे आने वाले एपिसोड में हमें उसका एक नया वार भी देखने को मिलेगा, वह चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन में विष मिला देने वाली है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य उस विष भरे भोजन को खा लेता है, और अगर खा लेता है तो किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य बचता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे एक अभी कुछ वक्त के लिए अपने ग्रुप में सम्मिलित जरूर कर लिया, अपने जो विश्वास पात्र उनमें सम्मिलित जरूर कर लिया है, लेकिन वह पूरी तरीके से सतर्क है उस महिला को लेकर जो कि अचानक से उनके उत्सव में सम्मिलित होती है और अचानक से किसी का प्रहार अपने ऊपर ले लेती है और उनका विश्वास पात्र बनने की कोशिश करती है। ऐसे में वह आचार्य चाणक्य के शक के घेरे में आ जाती है और काफी ज्यादा अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य उसको लेकर सतर्क है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से उनको ये पता नहीं है कि वह एक विषकन्या है और वह भोजन में विष भी मिला सकती है। तो ऐसे में आने वाले एपिसोड देखने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुए, क्योंकि जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक शत्रु जो कि अब खंड खंड होने वाला, तो चंद्रगुप्त का एक शत्रु तो यानी अंबिक कुमार हमें जल्द ही कुछ एपिसोड्स के बाद देखने को नहीं मिलेगा। अब उसका अंत किसके द्वारा दिखाया जाता है देखना इंटरेस्टिंग होगा, तारिणी के द्वारा, दुर्धरा के द्वारा, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर जिसके द्वारा हम सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं जो कि है मलयकेतु, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पिता ने मलयकेतु के पिता को मौत के घाट उतारा था, चाहे वह धोखे से ही क्यों ना हो। ऐसे में मलयकेतु द्वारा अगर अंबिक कुमार की मृत्यु दिखाई जाती है तो सभी फैंस के लिए काफी अच्छी बात होगी, और वहीं पे ऐसे में आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा शानदार होने वाले हैं। देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य विषकन्या के प्रभाव से किस प्रकार से बचता है और चंद्रगुप्त मौर्य का एक शत्रु किस प्रकार से धाराशायी होता है और उसे कौन करता है। तो आप आने वाले एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स की ऐसी अपडेट से आप जुड़े रहेंगे, और भी कोई कंफ्यूजन वगैरह होते हैं वीडियो को लेकर तो हम वहाँ पे उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो स्पेशल रहूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।